हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान में। दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HCQS 200mg टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस टैबलेट को इप्का लेबोरेटरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है और ये मेडिसिन 15 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप में आती है जिसका मार्केट प्राइस 99 रुपये है। तो चलिए इस वीडियो में ये जानते हैं कि HCQS 200 टैबलेट में क्या कंपोजिशन पाया जाता है, इसके होने वाले यूज़ और बेनिफिट्स क्या हैं, साथ ही साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स, प्रिकॉशन और डोज के बारे में भी बात की जाएगी और हमेशा की तरह उन दवाओं के बारे में भी जानेंगे जिनके साथ HCQS 200 टैबलेट का यूज़ नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, HCQS 200mg टैबलेट में अगर साल्ट की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 200mg के स्ट्रेंथ में शामिल होता है, जिसका इस्तेमाल ऑटो इम्यून कंडीशन में किया जाता है क्योंकि ये एक एंटी मलेरियल मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, रिसर्च के आधार पर डॉक्टरों द्वारा ये पाया गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कोरोना के वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अगर इस दवा के यूज़ की बात की जाए तो मेनली HCQS 200mg टैबलेट का यूज़ रूमेटाइड अर्थराइटिस के साथ साथ सिस्टेमिक लूप्स एरिथेमेटोसस के इलाज में किया जाता है। ये मेडिसिन दर्द, सूजन और लाली को कम करने के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है, जिससे बीमारी बढ़ने के आसार कम हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो इम्यून सिस्टम आमतौर पर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है, बट कभी कभी ऑटो इम्यून कंडीशन में पेशेंट के शरीर की कोशिकाएँ प्रभावित होती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और लाली के साथ साथ जकड़न होने लगता है, जिससे पेशेंट को रूमेटाइड अर्थराइटिस और सिस्टेमिक लूप्स एरिथेमेटोसस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी कंडीशन में सुधार के लिए डॉक्टर HCQS 200mg टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन ऑटो इम्यून सिस्टम को बैलेंस्ड रखता है और एक तरह से डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रेमेटाइड के रूप में काम करता है, जिससे बॉडी के सभी ज्वाइंट, स्किन, ब्रेन के साथ साथ कई और बॉडी पार्ट्स प्रभावित होने से बच जाते हैं। इसके अलावा मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर इस दवा को लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन रेड ब्लड सेल्स के उन इन्फेक्शंस को ठीक करता है जो मलेरिया के कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो डिजीज़ जिनमें HCQS 200 टैबलेट को लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। अब अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन की बात की जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर थकान, नींद लगना, भूख न लगना और पेट में जलन का एहसास होना, चक्कर आना और साथ ही साथ गैस के लक्षण हो सकते हैं। एंड अगर प्रिकॉशन की बात करें तो सोरायसिस, ड्रग एलर्जी, हार्ट, लीवर और किडनी की बीमारी और एनीमिया के मरीजों को इससे सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं को भी इस दवा से परहेज करना चाहिए। इसी के साथ चलिए HCQS 200mg टैबलेट के डोज की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस दवा को खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट रात को दिया जाता है, जो इसका कॉमन डोज है, बट इसे खुद से लेने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट के एज, वेट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही HCQS 200 टैबलेट का डोज निर्धारित करते हैं। अब उन दवाओं की बात कर लेते हैं जिनके साथ HCQS 200 टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिंस अल्फ्यूजोसिन, क्वाइनिडिन, एलोग्लिप्टिन और पायोग्लिटाजोन के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ HCQS 200 टैबलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में HCQS 200 टैबलेट के बारे में जो भी जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के मेडिसिन से जुड़े ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे।
तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और मेडिसिन के टॉपिक के साथ। नमस्कार।